को धीरे चलना चाहिए, औरत को खामोश रहना चाहिए। आखिर क्यों? इसलिए कि मर्द औरत पे राज कर सके। लेकिन अब वो जमाना गुजर गया। अगर मर्द औरत को ठुकरा सकता है तो औरत को भी चाहिए कि मर्द को ठुकरा दे। आज तक औरतें मर्दों की मर्जी की शिकार थी, लेकिन अब हमारे हाथ में कानून की तलवार है, और वो तलवार है तलाक। तलाक। मनोरमा देवी, तुम्हें तलाक लेना चाहिए अपने पति से, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। वो जुल्म करता जाए और तुम बर्दाश्त करती जाओ। कहाँ का इंसाफ है ये? भगवान के लिए जरा धीरे बोलिए, लड़कियां सुन रही हैं। जाओ, तुम लोग अपने अपने क्लास में जाना, यहाँ क्यों हो? मिस इंदू, ये आवाज दरवाजा बंद करने से बंद नहीं हो सकती। जी हाँ, लेकिन आपके चुप रहने से बंद हो सकती है। ये सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं मिस इंदू, ये इन सब लड़कियों की आवाज है, सब औरतों की आवाज है। और एक दिन तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मर्दों के जुल्मों का यही जवाब है। ये कोई जवाब नहीं, ये तो नासमझी है। माफ कीजिए, लेकिन स्त्री पुरुष के झगड़े का जवाब है समझौता, समर्पण। समझौता और समर्पण पुरानी भाषा है। तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा कि मर्द के साथ क्या सलूक करना चाहिए। समझौता, समर्पण, त्याग, प्रेम, शादी से पहले ये बातें समझ में नहीं आती है मेम साहब। जाओ जाओ, तुम अपना संगीत सिखाओ जाकर। नमस्ते। नमस्ते। प्यारी बहनों, तुम्हारी नन्ही नन्ही जिंदगियां भी इन फूलों की तरह कोमल है। आज मैं तुम्हें वो संगीत सिखाऊंगी जो तुम्हारा जीवन संगीत बन सकेगा, जो तुम्हारे जीवन को सरस, सुंदर और सुखद बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा से तुम्हारा, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का और सारे संसार का कल्याण हो सकता है। आ गई बेटी, तेरा इंतजार कर रहा था, तैयारी बैठा हूँ बाहर जाने को। तारा जल्दी से चाय वाय बना इंदू के लिए, बेचारी थकी हुई आई है। जी बाबू जी। केले लाई है। इतना ख्याल रखती है मेरा, तेरी माँ भी बड़ा ख्याल रखती है। तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। लेकिन बेटी मुझे तेरी बड़ी चिंता है। बाबूजी, मैंने कितनी बार समझाया आपको कि मेरे जीते जी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, आप ही तो कहा करते हैं कि मैं आपकी लड़की नहीं लड़का हूँ। ये लीजिए। अरे ये क्या, तू तनख्वाह ले आई पर मुझे क्यों दे रही है? तू रखता अपने पास? अरे नाराज हो गई, ला थोड़े से रख लेता हूँ। क्लब का चंदा वंदा दे रहा है, कुछ रख। बेटी, आज नीचे का मकान मांगने वालों ने मुझे तंग कर दिया, जैसे कोई मैं ही मकान मालिक हूँ। शहर भर के छड़े मलंग एक तरफ और मैं एक तरफ, देखता हूँ कैसे लेते हैं मकान। भाई तुम लोगों में ये बहुत बुरी बात है, गली को साफ रखोगे और घर में कूड़ा इकट्ठा करोगे। बड़े बदतमीज होते हैं ये ऊपर रहने वाले भी। क्या कहा? कौन बदतमीज होते हैं साहब? अच्छा, तो आप भी रहते हैं ऊपर? जी हाँ। कुछ एतराज है आपको? जी नहीं, लेकिन आप लोगों पे कूड़ा करकट क्यों फेंकते हैं? जी हाँ। अजी तो लोग कूड़ा करकट फेंकने की जगह खड़े क्यों होते हैं? मैं पूछ सकता हूँ आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए? जरूर पूछ सकते हैं। हमने सुना है कि ये नीचे का मकान खाली है। जी हाँ। अच्छा, तो आपको भी मकान की तकलीफ है। मैं अभी हाजिर हुआ। बेटा मैं सब जा रहा हूँ। हाँ, तो पहले ये बताइए घर आपको चाहिए या आपको? जी आपको। मेरे पास तो घर भी है और घरवाली भी। साहब ज्यादा तुम्हें किसी ने बहका दिया? जी, यानी मकान खाली नहीं? खाली तो है मगर बेहद मनहूस है। मनहूस? हाँ हाँ, देखिए ना, एक साहब आए तो उनकी नौकरी छूट गई, और दूसरे साहब आए तो उनकी घरवाली चल बसी, और तीसरे साहब आए तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? किसी से कहिएगा भी, वो खुद मर गए। और वैसे भी क्या आराम है, गर्मी में छत टपकती है, बरसात में धूप पड़ती है, न्याय गड़बड़ है। और पानी की तो सख्त तकलीफ है। ये समझ लीजिए ऊपर का नल खोल दें तो एक बूंद नीचे पानी नहीं आए। आप लोग किस झंझट में पड़ रहे हैं, मैं तो खुद पछता रहा हूँ। अरे तारा, दरवाजा बंद कर ले। अजी साहब आप खड़े क्यों हैं? इधर जाइए। मैं छज्जूमल का छत्ता है, बहुत से मकान मिलेंगे, बहुत मकान मिलेंगे। जयराम जी। अजीब बदतमीज लोग हैं, केले खा लेते और छिलके फेंक देते और ऊपर से हंसते। तो दांत निकाल रहे साहब आप? जी आप इनको केले के छिलके फेंके थे? ठीक है, मेरा छिलका था, मैं फिसल गया, आप तो नहीं फिसले। 2 पैसे का अखबार पड़ेंगे और मोहल्ले भर में रोज जाएंगे। साथ टीवी को भी बैरिस्टर बना रहे। वाह। क्या है? हाँ भाई मूर्छन, तुम्हारे बगैर तो दरअसल मजा ही नहीं आता है। ये बताओ क्या खेल रहा हो रमी? अजी मूलचंद जी वही पुराना खेल। आओ एक गाना पॉइंट, फिर मेरा भी। अरे भाई छोकरे यार, एक कॉफी लिया। देखो भाई जीत दे दो तिवारी साहब। पहले आप मेरे साथ। देखिए मैं आपका हिसाब पुख्ता करने के लिए तैयार हूँ, जब तक कि वकील साहब। अजी ये मैं नहीं जानता। नहीं चंद्रभान जी, ये बात क्या है? भूल जाऊंगा। जी मैंने कहा 9:30 बज गए और बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। वो तो हमेशा देर से आते हैं। मंगल आ गया तुझे लेने? नहीं, आज तो अभी तक वो भी नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। अरे तो अकेले कैसे जाएगी तू? जहाँ वो काम करते हैं ना बहन जी, वहीं चली जाऊंगी। फैमिली प्लानिंग सबके घर। अच्छा, मैं खिला दूंगी बाबूजी को। ठीक है, सुबह जल्दी आना तारा। अच्छा। आज तो ही आ गई। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। 1 मिनट में आया। जरा मालकिन से पूछ लूं। ओहो, कैसे खुशहाल हो सकता है देश, कैसे बेकारी दूर हो सकती है देश की। रवि जी, 1 मरता है 10 पैदा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस देश की आबादी। हाय हाय, बच्चे औरों के पैदा होते हैं, फिक्र इन्हें होती है, जैसे कि सारों को खिलाने का जिम्मा इनका ही है। अरे भाई, सरकार पर तो है। अरे तो सरकार फिक्र करे, तुम क्यों फिक्र करते हो? सरकार कौन है? तुम और हम। जनता का राज है मेम साहब, जनता का राज है। माफ करना बाबू साहब, बच्चे भी जनता के ही पैदा होते हैं। तुम क्यों दिमाग खराब करते हो? मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा, तुम जैसे पागलों का इलाज करना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, पागलों के सींग होते हैं। जी कमाल है यार, तुम तो झगड़े करने लगे। यार ये जिस बात को समझते नहीं उसमें भी टांग अड़ाती है। गलत कहा मैंने? अरे सही क्या कह दिया तुमने। अभी तुम ही खामोश रहो। इन्हें चुप करा, इन्हें चुप करा। अच्छा तो दोनों लाठियाँ पकड़ लो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं यार, कहाँ जाता, अभी 11 ही तो बजे। रवि जी, होटल ही तो जाना है तुम्हें, बैठो ना। अरे मंगल, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? मैं जाऊँ बीबी जी, रात के 11 बज रहे हैं। हाँ जा जा जा। अरे बिना पूछे कैसे चला जाएगा? खैर मंगल, काम सारा खत्म हो गया? हाँ बीबी जी। अच्छा देख, मेरी सब साड़ियों पे इस्त्री करके जा जा। अच्छा बीबी जी। सुन लिया रवि जी, रात के 11 बजे साड़ियों पे इस्त्री करवाई जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे आप इतना झोले पहन के नहीं घूमना, समझे? ये झोला है और नहीं तो क्या, जनता का लिबास है। अरे कहाँ चला गया? अरे भैया जी, तुम्हारे झगड़े में तो मेरे 12 बज जाएंगे यार। अरे बैठ 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 यार, बैठ तो सही। बैठो ना, बैठ जा बैठ जा। ओफो, खड़े खड़े सो गई। जान से नहीं, घंटे भर से खड़ी हूँ। फिर तो पाँव दुखने लगे। ले बैठ जा। लेकिन आज तो आई खूब। रोज तुम लेने आते थे, आज मैं आ गई। अरे तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। अपना मोहल्ला तो जैसा है वैसा है ही, मगर इस सड़क का भी जवाब नहीं। लो उतरो रानी साहबा, महल आ गया आपका। देखो सारा मोहल्ला सो गया। बड़ी देर कर दी तुमने। और क्या करूं, मालकिन के आगे मैं खुद परेशान। काम पे काम दिए। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देते उसकी नौकरी? थक जाते हो काम करते करते। अरे तुझे देखकर सारी थकान दूर हो जाती। चलो मजाक ना करो, सच कल से काम बंद कर दो। अरे काम छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? क्यों, मैं कमाऊंगी और तुम खाना। राज करना बैठे बैठे। बहुत अच्छे, रानी साहबा तो करेगी काम और मैं गुलाम बैठा राज करूंगा। ए, शर्म नहीं आती औरत का गुलाम बनते हुए? राजा तो तुम हो राजा, गुलाम तो औरत होती। चल पगली, औरत होती है रानी। अच्छा तुझे मेरे गले की सौंप, सच बताना है ना मेरी रानी? चलो अरे पानी न तारा। इंदू बेटी, यहाँ नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? मालूम नहीं बाबूजी, सुना है नीचे कोई किराएदार आया है। किराएदार? हाँ बाबूजी, कोई छोकरा सा है। छोकरा सा? इसकी शामत आई है जो मेरे होते नीचे नया किराएदार आ गया। जरा रक्षण तो करूँ बेटा के। बाबूजी यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। कोई पढ़े लिखे साहब मालूम होते हैं। अजीब उल्लू का पट्टा है, घर ही खुला छोड़ के चला गया। कौन है भाई बाथरूम में? अरे मैं तो सभी होते हैं। बाहर निकल के अपना मुंह दिखाओ। लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, तो आप आ ही गए आखिरकार। जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? तो आराम भी कौन सा हुआ, तुम्हारे आते ही ऊपर का पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? अजी तो आप ऊपर का नल खोल दीजिए, नीचे बंद हो जाएगा। बेवकूफ समझते हो, ऊपर का नल खोलने से नीचे का पानी बंद होगा? श्रीमान, ये कायदा आप ही ने तो बताया था। जब बताया था तब बताया था। लो हटो रास्ते में से, हाथ धोने दो। ओहो, हाँ, तो क्या नाम है आपका? रविशंकर चौबे। और आपका? मिस्टर मूलचंद छब्बे, ऑनररी सेक्रेटरी जॉली क्लब। देखो बेटा, दूसरों के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। जी, आपको भी दूसरों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझा के ऊपर से लाया था। हो जाता है कभी कभी। हाँ, हो जाता है। कहिए तो एक साबुन ऊपर भिजवा दूं। भिजवाइए किसी अपने ससुरे को। जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से साबुन से हाथ धोता हूँ, समझे? अपने तो साथ पीढ़ी में भी किसी ने पट्टी से हाथ नहीं धोया। बेटी, एक भूत आ गया नीचे, पर मेरा भी नाम मूलचंद है। वो मंत्र पढ़ूंगा कि थोड़े दिन में भागता नजर आएगा। ले तू जल्दी से नहा ले, मैं बाजार होकर आता हूँ। बाहर जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा। चाहिए तो मैंने कब मना किया है? ऊपर का नल खोल दीजिए, पानी आना शुरू हो जाएगा। सुबह से नल खोल रखा है, जैसे अपने बाप का नल है। तो क्या तुम्हारे बाप का नल है? हे बाबू तारा, देखिए न इसके बाप का नल है न आपके बाप का। नल तो म्यूनिसिपैलिटी का है, इसीलिए तो खोल रखा है मैंने। शायद आपको नहीं मालूम कि मैं नहा रहा हूँ। सुबह से नहाना ही चल रहा है आपका? जी हाँ। यूँ भैंसों की तरह नहाना है तो किसी नदी या तालाब में जाके डूबिए। अच्छा जी, तो मैं भैंसा हूँ और आप क्या हैं? मुँह संभाल कर बात करो जी। पहले आप मुँह संभालिए। ए बाबू, ए हाथ छोड़ के बात कर। बाबूजी, ये सब क्या तमाशा है? और तुम यहाँ नीचे क्या कर रही? देखो बाबूजी, एक तो ये सुबह से नल नहीं बंद करते और ऊपर से झगड़ते हैं। क्यों भाई नए किराएदार, ये क्या बदतमीजी है? लड़कियों से मुजोरी करते शर्म नहीं आती? अजी तो क्या आपसे मुजोरी करूँ? झगड़ा तो आपकी बेटी कर रही है। बेटी जरा थैला थाम लो, अभी इसकी निकालता हूँ। तेरे ही जैसे गुंडों के लिए ये डंडा हमेशा हाथ में रखता हूँ। महाशय जबान को लगाम दीजिए। किसे कहा आपने गुंडा? मैं तो बुड्ढा समझ के लाऊंगा। तेरा बाप कुश्ती लड़के देख ले कौन है बुड्ढा। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। चले बाबूजी ऊपर चले। यार बेटी मैं कोई डरता हूँ? देख लूंगा तुझे कितना पानी में फेंका। जाइए जाइए मैं भी देख लूंगा आपको। क्या देखेगा तू? आप क्या देख लेंगे? मैं देख लूंगा तू इस घर में कैसे रहता है और मैं देख लूंगा कि मुझे इस मकान से कौन निकालता है। जाइए पेटीकोट बदल के आइए अपना। पेटीकोट? क्या तू भी अंगोछा बदल कर आ। देख शर्म कहीं का। अरे तू या तो चल ऊपर खबरदार के नीचे पैर। दुनिया भर के लफंगे चले आते। मकान चाहिए मकान चाहिए मकान से वापस अब देखो विचार सफर तक हो जा। चाय चाय अभी ध्यान। लेकिन हम भी ऐसी तरकीब करेंगे कि मिस्टर की अकल ठीक हो जाएगी। कर दे मोरी बंद और आए क्या चूस ले कपड़ा। ये ले चल जल्दी कर। का इरादा है तो इस किताब को पहले जरूर पढ़ लेना। इसमें फैमिली प्लानिंग पर वो बात यार पहले से पूरा तो करो तुम। अरे अब वही एक महीने में खत्म, कहां जा रहा है? बस वही घुड़सवारी। अपने तो प्यारे दो ही शौक हैं, ये तैरना ये घोड़े पे चढ़ना। अरे कभी देश की चिंता भी किया करो। मसलन ये देखो अब बच्चों की तादाद का जो मसला है। मालूम नहीं क्यों चिल्ला रही। अब ये भैया जी मसला इधर है इधर नहीं। क्या है? मेरी ये साड़ियाँ अपनी अलमारी में रख लो। है क्या कहा ना, मेरी साड़ियाँ अपनी अलमारी में रख लो क्या? अच्छा तो तुम अपनी अलमारी में क्यों नहीं रख लेती? मेरी अलमारी में जगह नहीं है। ओफो तो मेरी अलमारी में भी कहाँ जगह है, ये देखो है जगह। थोड़ी सी किताबें निकाल कर बाहर रख दोगे तो क्या दीमक लग जाएगी? और तुम अपनी साड़ियाँ अगर बाहर रहने दोगी तो क्या कीड़े लग जाएंगे? हाँ कीड़े लग जाएंगे, रंग उड़ जाएगा, इस्त्री बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छा, रख लो अपनी साड़ियाँ, लगा दो इनमें हाथ, फेंक दो मेरी किताबें, ये लो और लो। हाँ हाँ मुफ्त का माल है, चौराहे पर जाकर फेंको ना। मंगल ओफो ये क्या पागलपन है भाई, जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहते हो। मैं नहीं, ये झगड़ते हैं। तुम झगड़ती हो, तुम तंग आ गया मैं शादी करके। किसने कहा था तुमसे शादी करने को? तुम्हारे बाप ने कहा था। तुम्हारे बाप ने क्या मंजूर किया? ओफो दोनों के बापों का कसूर है, बिना पूछे शादी कर दी, फांसी डाल दी मेरे गले में। तो रो बैठ के। अरे भैया जी अब तो शादी हो गई, अब क्या हो सकता है, चलो किताबें ही उठाओ। हलो यार, अरे भैया जी गुस्सा मत करो, किताबें तो आपकी हैं। वो देखो शाबाश, उठा लो उठाओ, शाबाश शाबाश। भाभी चलो तुम भी मत करो भैया की। भाभी क्या बात है मालकिन? मंगल हाँ। वो मेरा बैग है ना उसे मेरे घर पहुंचा दे जी। वो टूटे खून के पास बिहारीलाल की बिल्डिंग है। वो मैंने देखा है बाबूजी, ऊपर मूलचंद बाबू के यहाँ मेरी औरत काम करती है। वो तेरी औरत है जी? अरे वो तो बड़ी झगड़ालू है। क्या बात करते हैं बाबूजी, मेरी तारा तो देवी है देवी। अरे हाँ हाँ मैं तारा के लिए बोल रहा हूँ, वो तो मूलचंद की लड़की की तरफ से रोज मेरे साथ झगड़ा करने आती है। ये बात है? हाँ आज ही ठीक कर देता हूँ उसे। लेकिन बात क्या हुई थी बाबूजी? इधर बात है कि जब नीचे का नल खोलता हूँ तो उसके ऊपर पानी नहीं जाता और जब वो खोलती है तो मेरे आती है। हिम्मत है तो अंदर आ जा। ये बात है तो ये आई। अरे वो बात करो तुम्हारे और मार दिया रे। हाय भैया ये मैंने क्या कर दिया? मेरी हड्डी पसली एक कर दी और क्या किया? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने तो कोई और ही आदमी समझा। तो आदमी समझ के काम आ रहा। अरे देखो तो सही कहाँ लगी है। ये क्या करती है? हाथ तोड़ूंगी इसको। हाथ तोड़ूंगी? ये हाथ कौन से तेरे? ये भी तो मेरे हैं। अरे पगी तेरे इन हाथों से मुझे लगेगी भला, जैसे मेरे हाथ से तुझे नहीं लगती। बोल लगी। चलो तुम बड़े वो हो। पर तुम यहाँ कैसे आए? अरे इस घर में जो बाबू रहते हैं ना वो मेरे मालिक के दोस्त हैं। खबरदार अब उनसे कभी झगड़ा नहीं करना। मैं कहाँ झगड़ती हूँ, वही लोग तो आपस में लड़ते हैं। पर अब तो सुलह हो गई। मैं जान हो गई सुलह। अरे सभी लड़कियाँ ऐसा ही करती, पहले झगड़ा फिर सुलह और फिर शादी। अपना झगड़ा याद है शादी से पहले? ये बड़ा पत्थर लेके भागी थी तालाब पर मेरे पीछे। क्यों? अरे ये क्या कर तू? ये कोई अपना घर? अरे कहाँ चले? घर सोना पड़ा है मालिक का। बिन जी अभी तक स्कूल से नहीं आई। नहीं आई? और वो बुड्ढा? वो तो क्लब गए हैं। क्लब गए? फिर क्या फिक्र है आप बैठ। फिर किसका डर है? फिर तो अपना ही राज। हाँ जी फिर क्या पैसे पाए? वही एक आना पॉइंट यार। रोज क्या पूछते हो? नहीं यार आज तो चार आने पाए। चार आने? मूलचंद जी लड़की की तनख्वाह बढ़ गई है क्या? वैसी जी लड़की नहीं लड़का है वो मेरा। लड़का का वो लड़का। अजीब मजे हैं इनके तो। लड़की कमाती है और ये खाते हैं। ये देखा इसीलिए तो उसकी शादी नहीं करते। अरे तो तुझे इसकी क्या चिंता है? लड़की मेरी है, शादी करूँ ना करूँ इसीलिए तो शादी नहीं करते हैं। काटो जी दुनिया भर की लड़कियों की सही फिक्र है। वैसी जी जरा हट के जेब काटोगे क्या? अजी मेरे पत्ते किधर है? अबे यार अंधे हो छह तो अरे आप तैयार नहीं बाबूजी? आज तो आजादी का दिन है, जलसे में नहीं चलेंगे? अरे अब मैं तो पैदा ही आजाद हुए, लेकिन ये नीचे आ गया ना अपनी आजादी का दुश्मन। तू जा मैं नहीं जाऊँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं आपके पीछे? हाँ जी मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि आप मेरे आगे क्यों जा रही हैं? तो जाइए ना आपको जहाँ जाना है। बहुत अच्छा। तांगे वाले? नहीं ये तांगा मैंने लिया है। तो चलिए मैं पहुँचा दूँ आपको जहाँ जाना है। ए मिस्टर जी, तो क्या आपने तांगा खरीद लिया है? जी हाँ, खरीद लिया है। चलो सीता। बहुत अच्छे। की मिट्टी नजर सितारों से, एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ, काट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता जोर यहाँ, जागते रहना है नेताओं खतरा चारों ओर यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ऐ भारत माता के बेटों, ऐ भारत माता के बेटों, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस डोली को। ऐ भारत माता के बेटों, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस डोली को। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, जागो लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है, जागो लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है, अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। होशियार होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है, होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। नमस्ते जी। नमस्ते। आप घर नहीं चलेंगे जी? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? जी हाँ, मैंने आपको गलत समझ लिया था। शुक्रिया। चलिए आपको इसी बात पे चाय पिलाऊं। चाय? जी हाँ जी। बात यह है कि मैं आज ही नया स्टोव लाया हूँ, नए बर्तन लाया हूँ और नई चाय लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में बनी हुई पहली चाय आप। लेकिन आपके घर में? अजी चलिए ना, आखिर उसमें हर जी क्या है, हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ा ही। चलिए ना। आइए आइए ना। बैठिए आप, बैठिए, मैं अभी चाय बनाता हूँ। आप बनेंगे चाय? जी हाँ, और कौन बनाएगा, अकेला आदमी ठहरा। मैं नौकरों का किल्लत नहीं पालता, स्वयं सेवक हूँ ना। बस एक मिनट में चाय तैयार हो जाती, आप बैठिए। तो चाय बनाऊंगी। आप बनाएंगी चाय? जी हाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा? आप गाना गाइए। इतना पसंद है आपको मेरा गाना? तो फिर कल झाड़ू फेंक के तो भागी। हटिए ना, मैजिक कहाँ है? ये पहली चाय मैं पीऊंगी ना, इसलिए मैं ही बनाऊंगी। अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और फिर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे किचन की ओपनिंग सेरेमनी आपके हाथ से हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी? जी हाँ। देखिए ना, किसी संस्था का उद्घाटन कोई लीडर करता है, किसी का कोई मंत्री, और मेरे किचन का उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। चाय, शक्कर, पानी और दूध लाता हूँ। देखिए, नल खोल सकता हूँ म्यूनिसिपैलिटी का। उस दिन नल वाली बात याद है? बाबूजी आप हैं? कहिए कैसे हैं, अच्छे तो है ना? भाई ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहू को लिया। बहू? इसमें शर्माने की क्या बात है, मैं तो इसलिए डरता था, मैं समझा था तुम कोई छड़े मलंग हो। बाबूजी दरअसल भाई हम तो ये जानते हैं घर तो घरवाली के साथ है, वरना तो सब भूतों का डेरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहू ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। भाई भूतों दिखाओ घरवाली का। क्या पर्दा करते जी वो? भाई मुझसे कैसा पर्दा, मैं तो उसके पिता के समान हूँ, और हम चाय जरूर पीकर जाएंगे। अरे ये छाता और पर्स तो मेरी बेटी का है। जी हाँ, ये चीजें आपकी बेटी की तो हैं। है? ओह बहू का है। वही आजकल का कुछ ऐसा फैशन ही हो गया। लेकिन क्या करता है यार, चाय मंगवा। ओह बहू, बाबूजी आप बैठे, मैं लेके आता हूँ। अब बैठी, अब बैठी। देखो शक्कर ज्यादा और बिस्कुट नमकीन। चाय, शक्कर ज्यादा और बिस्कुट नमकीन। बाबूजी चाय में कुछ देर लगेगी। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आप ऊपर चलिए, मैं भिजवाता हूँ। यार क्यों चकमा देते हो बेटी, ये कैसा कंजूस है तेरा घर वाला। बाबूजी आप किससे कह रहे हैं बहू बहू? इंदू तू यहाँ क्यों आई? ए मिस्टर, ये इंदू यहाँ क्या कर रही थी? मेरे किचन का उद्घाटन कर रही थी। ये चाय बना रही थी साहब। क्या मतलब, मेरी बेटी आपके घर में चाय बना रही थी? आप मुझे गधा समझते? ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ला ये छाता दे, नखंगा कहीं का। साहबजादा ये शरीफों का मामला है, मन्नू का टीला नहीं है। चले आते हैं हरे गहरे नक्शों गहरे, जिससे जीने आता है कपड़े पहनते लीडरों के और कर्म करते बदमाश। ए मिस्टर कान खोल के सुन लो, दोबारा ऐसी चाय पार्टी हुई तो खोद के गाड़ दूंगा। मैं बुरों के साथ बहुत बुरा आदमी हूँ, आया समझ में? इंदू ये क्या बेहुदा हरकत है, कब से जाने लगी है तू उसके घर में? मैं पूछता हूँ कि आखिर तेरा इरादा क्या है? बाबूजी आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, क्या समझते होंगे वो अपने मन में। अरे अरे तू रोने लगी, मुझे क्या पता था कि तू है रसोई में। अनजाने में न जाने क्या क्या पक गया। जाने दे बेटी, मैं तुझे कहीं आने जाने को मना थोड़े ही करता हूँ, पर वो आदमी जरा लफंगा सा दिखता है, उससे ज्यादा मेल जोल बनाना ठीक नहीं, समझी? बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आप ही ले आइए। इस वक्त अगर तुम्हारे बाबूजी आ जाएं तो कैसी रहे? वो कैसे आएंगे, वो तो क्लब गए। मान लो आ जाएं, भाई हमें तो बड़ा डर लगता है। मालूम उस दिन कह रहे थे, ए मिस्टर फिर ये चाय पार्टी तो खोद के गाड़ दूंगा, अगर सच में कहीं फावड़ा लेके चले आए तो अपना तो बोलो ही राम। बैठो, तो आज मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी है। बैठो। बात ये है इंदू के, बात ये है आज तो आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? पहले ये फैसला कर लो कि मुझे धीरे चलना है या तेज चलना है। अच्छा तो आप दूसरे के घर में तो मत झगड़ो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भैया। कुछ मत पूछो भाभी जी, इनके मारे तो मेरे नाम। अभी इंदू, ये मेरे मित्र हैं मिस्टर रेवती शरण वर्मा, फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट, और ये इनकी धर्मपत्नी रोहिणी देवी। अरे भाई इनसे भी तो परिचय करा। हाँ, ये मिस इंदू बाला, ऊपर रहती है ऊपर। अच्छा तो आप ही हैं जिनसे नल के बारे में झगड़ा हुआ करता है। अच्छी बात में कुछ समझती नहीं, देखती नहीं या सुलह हो गई है। क्यों रवि जी? अच्छा तो अब सुलह हो गई है। तारा, ओ तारा, इंदू कहाँ है? कहाँ है इंदू? मुझे मालूम नहीं बाबूजी। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ जहाँ वो गई है। मुझे मालूम है जहाँ वो रोज जाया करती है। मैं उसे लड़की नहीं लड़का समझता था, हर तरह से आजाद रखता था। नहीं देनी चाहिए लड़की को इतनी आजादी। कह देना इंदू से मुझे उसका कहीं आना जाना पसंद नहीं। हमें कोई मतलब नहीं किसी पड़ोसी या मोहल्लेदार से। अब आता है रवि, ये ऊपर कौन चिल्ला रहा? अब इतना भी नहीं समझते, लड़की का बाप होगा और कौन। लेकिन तुम फिक्र मत करो रवि जी, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम क्या ठीक कर लोगी? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या ठीक कर लूंगी। अरे आखिर कुछ पता तो चले कि तुम्हारा क्या इरादा है। मेरा इरादा मालूम हो? हाँ? चलो चाय पियो। चाय मैं जा रहा हूं। मत पियो हो। बाबूजी आपने बड़ा अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। बात ये है, हम इनकी सालगिरह हर साल मनाते हैं। सिस्टर फैमिली प्लानिंग, मैं तो ऐसे बाबे ढूंढता ही हूँ। हाय रवि, अरे तुमने तो बड़ी देर कर दी। बैठो भाभी जी। थैंक यू रवि। बाबूजी ये मेरे दोस्त मिस्टर रवि। जानता हूँ, मेरे नीचे ही तो रहते हैं। बैठो रवि। बैठो बैठो। मंगल शरबत लाओ। शरबत पे ही डाल रहे हो? खाने पीने का क्या प्रबंध है? सब प्रबंध किया है बाबूजी। आप आइए तो, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। पहले खाना पीछे दूसरी बात। आइए तो सही आप, आइए। रवि जी बर्थडे मेरी है। अच्छा, मेरे खाने का स्पेशल इंतजाम किया है। ठीक है, वहाँ लोगों में बैठ के खाया भी नहीं जाता, यहाँ एकांत में बैठ के आनंद से खाऊंगा। बाबूजी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो, लाइफ में सभी जरूरी बातें खाने के टेबल पर होती हैं। देखिए रवि शादी करना चाहता है। हाँ तो करे शौक से, बारात में मुझे भी ले चलना। लेकिन बाबूजी इसमें आपकी रजामंदी होनी जरूरी है। अरे भाई मैं कौन होता हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अजीब, और इंदू से शादी करना चाहता है। इंदू से? मेरी बेटी से? जी, वो इंदू मुझसे शादी करना चाहती है। इंदू भी उससे शादी करना चाहती है? ठीक है, कमाऊ है, सयानी है, करे जो उसकी मर्जी में हो। लेकिन बाबूजी मर्जी तो आपकी भी होनी चाहिए। तो मेरी मर्जी तो ये है, इंदू उस लड़के से शादी करे जो घर जवाई बन के रह सके। मेरा ख्याल रखे, रवि भी आपका ख्याल रखेगा, घर जवाई बन के रहेगा। हाँ बाबूजी देखिए ना, बिल्कुल अकेला है, दुनिया में उसका कोई नहीं। अकेला है, दुनिया में उसका कोई नहीं। कोई नहीं तो यार जी। अच्छा चलो, देखिए साहब पहली बात तो ये है कि इंदू के सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। वो ये घर छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी। और दूसरी बात है ये कि घर का सारा खर्च वो ही चलाती है। मेरी सारी जिम्मेदारियां उसी ने उठा रखी। अजी साहब तो ये भी आपकी सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार है, आपको कोई तकलीफ ना होगी। बल्कि इंदू बहन को नौकरी करने की भी तकलीफ नहीं रहेगी। जी नहीं, नौकरी वो जरूर करेगी। लेकिन बाबूजी ये तो मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए नौकरी करे, और ये मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए वो नौकरी ना करे। लेकिन साहब ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। बाबूजी सुनिए तो, इसमें सोचने की कौन सी बात है। आप इंदू पर छोड़ दीजिए, जैसा वो मुनासिब समझे वैसा करे। क्यों? मंजूर है बेटी, तू खुद ऊंच नहीं समझती है, जो ठीक समझे सो कर। लो साहब ये बात तो हुई। अब रही लेन देन की बात, वो कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे पास देने को थैला नहीं है, और होगा तो दूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी आपसे मांग कौन रहा है? आई सी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि शादी के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। जी बात ये है कि वो यही चाहते हैं। वो तो न जाने क्या क्या चाहेगा, मगर मैं यही कहूंगी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, जरूरत पड़े तो वापस आ सकती हो। थैंक यू, अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मिस इंदू, कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इंदू, तुम सचमुच शादी करने जा रही हो? हाँ मनोरमा। समझौता और समर्पण वाली बात याद है ना? याद है। तो जरा अच्छे से याद रखना उसे। तो शायद अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये सब लड़कियां तुम्हें बहुत याद किया करेंगी। क्या पैसे पर? एक पैसा हद हो गई। बस लड़की की शादी होती ही आ गए 1 पैसे पर। अजी शादी से क्या मतलब? मैंने खुद ही खर्चा कम कर दिया। अच्छा अजी करना ही पड़ा। खर्चा बढ़ गया और लड़की ने नौकरी छोड़ दी। हाँ भाई इन दोनों ने नौकरी क्यों छोड़ दी? अबे 400 रुपए महीना कमाता है मेरा दामाद, क्या जरूरत है उसे नौकरी की? पत्ते बांटो। अरे तुम तो ऐसे आ गए, लो जल्दी से बदन पूछो, ठंड लग जाएगी। लेकिन तुम भी तो जल्दी तैयार हो जाओ, पिकनिक में देर हो रही है। अजी ये बास्केट मैं ठीक कर लूंगा, तुम तैयार तो हो जाओ। तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप देखते जाओ। ओफो अजी तुम मेरी बीवी हो के थानेदार, बड़ा हुक्म चला रही हो। हुक्म चलाने के लिए तो नौकरी छोड़ी। देखो ये पैंट पहनना और ये मफलर, ये हैट जरूर लेना, वहां धूप पड़ेगी। अजी मेरे लिए भी तो कोई काम छोड़ दो। तुम्हारा काम ऑफिस में, हमारा काम घर में। चलो कमीज पहनो। कमाल है, तुम तो हुक्म चलाने की बजाय सेवा करने लगी हैं। औरत तो घर की रानी होती है ना, वो हुक्म चलाती है और सेवा भी करती है। सीधे खड़े रहो। अच्छा तो रानी साहिबा जरा शीघ्रता से तैयार हो जाइए, रास्ते में से रेवती और रोहिणी को भी लेना है। बहुत अच्छा। अजी मेम साहब इस तरफ कहाँ चली? बाथरूम तो इधर है। हम अभी आते हैं, इंतजार करो। अरे भाई रोहिणी मेरे तैरने के कपड़े भी ले लेना। सब बातें आखिरी वक्त पर याद आती है, तुम्हें खुद ही निकाल लो ना। भाई मैं काम कर रहा हूँ। हाय हाय तो मैं कौन सी बेकार बैठी हूँ? कौन से पत्थर तोड़ रही हो? अब तुम कौन सी सड़क टूट रहे हो? जाओ अपने आप निकालो। ये आओगी तो क्या दुबली हो जाओगी? अब तुम क्या घिस जाओगे? मैं कहता हूँ जबान मत चलाओ। मैं कहती हूँ तुम हुक्म मत चलाऊंगा, पति हूँ तुम्हारा। अब मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं, समझे? अजी सारी दुनिया जानती है कि आप दोनों पति पत्नी, लेकिन ये कहाँ समझती है? हाँ हाँ, तुम तो समझते जैसे मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। रोहिणी बहन, अगर स्त्री पति के चरणों की दासी है तो पति के हृदय की स्वामिनी भी है। अजी स्वामिनी ही नहीं, पति के हृदय की देवी है और पति उसका पुजारी है। भाभी, दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। देखो, अभी घर में कभी भी गुस्सा आए तो फौरन शांति मंत्र का जाप कर लेना। भैया जी बोलो शांति 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 शांति। देखो, रंग तो बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को इसी हालत में पिकनिक पे ले चलते हैं और बाग की ठंडी हवा खा के दोनों का दिमाग ठीक हो जाएगा। जी हाँ। ओ बाबू साहब, ओ मैम साहब, ओ बाबू साहब, ओ मैम साहब, देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। अरे रूठो न सिस्टर, मान जाओ मिस्टर, मिलके रहो संसार में। जरा तो आंखें देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। श्रीमान जी, लड़ना तो मैडम है एक लड़कपन, इसमें बड़ा नुकसान जी। हाँ सुनो सुनो श्रीमान जी, क्यों बैठे हट के मुखड़ा पलट के, फिर से बंधो एक तार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। मियाँ और बीबी के झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, उससे के दिखे खुमार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। करो अपनी अकड़ पे ब्रेक लगाओ जी, झूठा बड़प्पन गोल करो। हाँ गुस्से पे कुछ कंट्रोल करो, झगड़ा न करना डूबेगी वरना नैया कभी मझधार में। लगा तो आके देखो मिला दे, बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। इंदू, अरे तू लेटी क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबूजी। हाँ ले बेटा, ऐसा कर, मुझे 25-30 रुपए दे। रुपये परसों ही तो दिए थे बाबूजी। अरे वो तो परसों ही खर्च हो गए थे, ले जल्दी कर, मुझे जाना। रुपया भी अजीब चीज है, जेब में आने से पहले ही खर्च हो जाता है। मैं लौटा दूंगा जी, बच्चे लौटा दूंगा, बेफिक्र रहे। अरे इंदू, क्या हुआ, क्या हुआ इंदू? तारा, ओ तारा, जल्दी से डॉक्टर को बुला, ना जाने इंदू को क्या हो गया। अरे उससे क्या पूछ रही है, डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को। डॉक्टर की जरूरत नहीं बाबूजी। तो फिर किसकी जरूरत है? मैं भी कैसा खड़ा हूं, इतनी सी बात नहीं समझा। अरे तू खड़ी क्या मुंह देख रही है? बुला उस लफंगे को, बड़ा दावाद बना फिरता है। अजी सुनते हो? मैंने कहा कुछ सुना तुमने? सुनने के लिए कहा क्या तुमने? कहूँ क्या, रवि और इंदू की शादी हमारे बाद हुई थी और वहाँ बच्चे की उम्मीद है। बच्चे की उम्मीद है? हाँ। रवि के बच्चे की उम्मीद है। बड़ा नालायक निकला, मेरा दोस्त होते हुए, फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट का दोस्त होते हुए भी बच्चे की उम्मीद, बेवकूफ कहीं का। तुम जैसे बड़े अक्लमंद। शांति, देखो मैं हूँ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट, अगर मैं ही इस योजना पर अमल न करूं तो फिर मेरी बात कौन मानेगा, मेरी किताब कौन पढ़ेगा। देश की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिए सबको इस योजना पर अमल करना चाहिए। अभी अपना देश खुद बच्चा है, उसके समर्थ होने तक बच्चों की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तेरे मालिक ने गलती की है। अरे फैमिली प्लानिंग का दोस्त गलती कर सकता है, नौकर नहीं। मैं तो उन्हीं की सीख पर चलूंगा। उनकी सीख का ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। तारा, औरत हूँ मैं, औरत का दिल है मेरे सीने में, मेरा जी नहीं तड़पता बच्चे के लिए। बड़ी पागल। अरे क्या मेरा जी नहीं करता बाप होने को? मुझे भी बच्चा चाहिए, पर सोचता हूँ कहाँ रखेंगे उसे, इस टूटे फूटे झोंपड़े में? क्या खिलाएंगे उसे, ये लोगों के बचे हुए टुकड़े? और क्या बनाएंगे उसे, अपनी तरह नौकर? तारा, अपने मुल्क में नौकरों की कमी नहीं और न बेकारों की कमी। मेरे मालिक कहते हैं कि इस वक्त बच्चों की तादाद बढ़ाना मुल्क की गरीबी बढ़ाना है। तारा, मैं तो उस दिन तेरी गोद में बच्चे को देखकर खुश होऊंगा जिस दिन हमारी सरकार सब गरीबों के बच्चों को संभालने के काबिल हो जाएगी। चल रोटी खा ले। मुझे भूख नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे तेरे नखरे, मुझे भूख है और तुझे भूख नहीं। चल चल। रेवती शरण जी, क्या हो रहा है? आइए बाबूजी, जी मिठाई खाइए। बाबूजी लड़का हो या लड़की? अरे लड़की होने की कौन मिठाई बांटता है? सुन लिया? शांति, बैठिए बाबूजी। नहीं नहीं, अब बैठने का वक्त नहीं है, अब तो तुम भी कुछ मिठाई बांटने का इंतजाम करो। ठहरिए, ये रवि के लिए भेंट लेते जाइए। रोहिणी, जरा इस पर जल्दी से लिखना। क्या लिखो? आज के हिंदुस्तान को बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं, फुल स्टॉप। ओ आशू, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ आ जाओ। आशू, आश्विनी कुमार, आओ बेटे, आओ बेटे। आशू आ जाओ आ जाओ। इसको काला टीका क्यों लगाया? माँ बन गई इतना नहीं जानती, नजर नहीं लगती काला टीका लगाने से। आओ बेटे आओ। नहीं वो हमारे पास बैठेगा, नहीं पास रहेगा। बैठो बैठो। चलो चलो चलो। आशू इंदू ये देख क्या लाया हूँ आशू के लिए। अरे तैरने के कपड़े अभी से ले आए? और क्या, अभी से सिखाऊंगा तभी तो बड़ा होकर मेरे जैसा तैराक बनेगा। तुम्हें और कोई डिजाइन नहीं मिला शहर में? अजी जब तुम्हें शहर में कोई दूसरा डिजाइन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो बेटे आशु तैरने चलेंगे। शाबाश शाबाश। अरे तो क्या सचमुच अभी से तैरना सिखाओगे इसे? बिल्कुल अभी से सिखाऊंगा। इतने से बच्चे को? अरे मूर्ख, मेरी इतनी उम्र हो गई मुझे आज तक तैरना तो क्या डूबना भी नहीं आया। बाबूजी आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, वरना डूबना तो बड़ा आसान है। चलो बेटे तैरने चलेंगे। पागल हो गए दोनों के दोनों। कोई इनसे पूछे कि ये आदमी का बच्चा है या बत्तख का बच्चा है जो पैदा होते ही तैरने लगेगा। अच्छा बेटा, अरे वाह वाह कितना अच्छा तैरता है, कितना अच्छा तैरता है बेटा। अरे वो कितना अच्छा है। आशू मेरे पास आजा बेटे, आजा 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 आजा। चाय खिलाता है तुमको, बड़ा खराब है। घूमने चलेगा झूले पे उधर, चलो। आजा बेटे। अरे अरे आजा आजा मेरे पास आजा। बड़ा बात है, गिर पड़े गिरते ही आयु तो बता मम्मी होती। शाबाश देखो देखो आज तारीख देखो तो देखो। शादी हमारी भी हुई थी, बच्चे हमारे भी हुए थे, पर इस तरह आवारागर्दी कभी नहीं की। दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। ओहो क्या वक्त आ गया, केले भी किनके मिलने लगे। अरे अरे तो मोबाइल गया। तो क्या करते, जब बच्चे घोड़े पे बैठने लगे तो बुड्ढे झूले में बैठने लगे। अच्छा बाबा उतरता हूँ, तंग आ गया हूँ घर में बैठे बैठे। आप घूमने क्यों नहीं जाया करते बाबूजी? अब दिन भर घूमता ही रहूँ तो क्लब में जाया करो। कौन आता है इस वक्त क्लब में? बाबूजी आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके लिए कोई हल्का सा काम ढूंढ देता हूँ, जिससे आपका दिल भी लगा रहेगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। जी हाँ, ये मेरी उम्र काम करने की तो है। बाबूजी आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं सब समझता हूँ। मैं नौकरी करूँ, तुम घूमने जाओ, तैरने जाओ, घोड़े की सवारी करो, ये क्यों नहीं कहते कि अखरने लगा हूँ तुम्हारी नजर में। अरे भाई मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया है, भूख के मारे कब तो लग जाएगी। किसी दिन हाथ पैर तोड़ा के आइयो। बाबूजी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, उनके दिल में डर बैठ जाता है। हाँ बेटे शाबाश, आ जाओ शाबाश। इनसे बोल दो गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, और वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे नाना जी है, बुढ़े हो गए तो क्या हो गया, है तो नाना जी ना। बुढ़ा होगा तेरा बाप, तुमसे कह रहे हैं। चलो बेटे अब तुम चलो स्कूल चलेंगे और हम अपने दफ्तर चलेंगे, नाना जी से टाटा करो। टाटा टाटा शाबाश। तारा बेटी इसका दिमाग तो हो गया खराब, मेरे बाप ने तो ना मुझे कभी घोड़े पे बैठाया ना गधे पे, मस्त हाथी की तरह पड़ा रहता था। ठीक ही क्या कर रही है, हंसने की क्या बात है। अरे भाई बच्चे को प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, एक ही तो बच्चा है, दुनिया भर की जोखम में डालता फिरता है उसे, बुरा वक्त कोई कह के थोड़ी आता है। परसों वो जॉकी रेस में गिर के मर गया, खबरदार जो फिर बच्चे को कभी घोड़े में चढ़ने भेजा, समझी। आशु आशु अभी तक आया नहीं स्कूल से। और बाबूजी वो क्लब गए हैं। उनके लिए केले लाया हूँ। अच्छा? और आपने और आशु के लिए संतरे लाया। और मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अजी ऐसे कैसे हो सकता है, आपके लिए तो चीकू लाया हूँ। चीकू चीकू पापा जी हम आ गए। अरे वाह तुम तो नाम लेते ही आ गए बेटे, शाबाश। एक कॉपी कर दो। अरे वाह वाह वाह। एक चीकू खाओ। नहीं ये नहीं। अच्छा लो संतरा खाओ। नहीं ये भी नहीं। क्यों? हमको भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? रहने दो, जब बच्चे को भूख नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं खिलाया करते। चलो बेटे पहले घूमने जाएंगे फिर बाद में आके खाएंगे। अच्छा अच्छा। जान तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पापा जी। अरे बेटे पहले तैरने चलेंगे और फिर घोड़े पे बैठेंगे। ताली बजा दो ताली, शाबाश शाबाश। सुनिए मैं इसे घोड़े पर चढ़ने नहीं भेजूंगी। क्यों? इतने से बच्चे को घोड़े पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है इसीलिए तो सिखा रहा हूँ इसे। मैं कहती हूँ कहीं चोट लग जाएगी तो सब। अजी आपसे ज्यादा ख्याल है मुझे बच्चे का। शाबाश। चलो बेटे टाटा करो मम्मी को। टाटा टाटा। देखा तारा, इतना कहने पर भी नहीं माने, ले गए जबरदस्ती। चिंता क्यों करती हो बहन जी, जब वो साथ है तो डर काहे का। जा अपना काम कर, डर काहे का। इंदू जी। रवि घर पर कोई नहीं है क्या? अरे इंदू तुम यहाँ अकेली बैठी हो। रवि कहाँ गया? आशु को जॉकी बनाने ले गए हैं। अभी से घोड़े की सवारी सिखा रहा है, कहीं गिर गया तो। यही तो मैं झिंक रही थी, लेकिन सुनता कौन है। आओ बेटो। लेकिन घोड़े की सवारी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तुम बाप होते तो समझते क्या बुराई है। रवि बाप नहीं है। वो तो है, लेकिन तुम क्या हो ये तो बताओ। तुम में से बात मत करो जी। मत करो। हाँ? मैं कब बोला था? और मैंने तुमसे क्या कह दिया? ओहो आप लोग तो फिर से झगड़ने लगे। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। आशु नहीं आया अभी तक? अभी आता ही होगा। बड़ी देर लगा दी तुमने आज। मेरा दफ्तर में कुछ काम हो गया था। ये लो तनखा के रुपए, और देखो इस महीने जरा खर्च में कटौती करो। कौन सा खर्च कम कर दूं? फजूल खर्च तो नहीं कर रही हूँ मैं ये नहीं कह रहा इंदू, हो सके तो अच्छा है। तुम तो जानती इस महीने से आशु का खर्च बढ़ गया है। 20 रुपए स्कूल की फीस और 15 रुपए घोड़े के। घोड़े का खर्च क्यों नहीं कम कर देते? फजूल खर्च है वो इंदू, वो बहुत जरूरी खर्च है। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं कौन सा खर्च कम कर दूं? मैं बताऊँ? अपने बाबूजी से कहो क्लब जाना छोड़ दे। देखो इंदू हर महीने 100-150 रुपए खराब कर देते हैं और उसमें कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इंदू बेटी मिल गई रवि की तनख्वाह, एक 25-30 रुपए दे दी, क्लब का चंदा वगैरह देना। वो क्लब छोड़ने को कह रहे हैं बाबूजी। क्लब छोड़ने को कह रहे हैं, दुनिया छोड़ने को नहीं कह रहे बाबूजी। दरअसल आशु का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो फिर मेरा खाना बंद कर दो। घड़ी दो घड़ी क्लब में मन बहलाने को चला जाता था, सो नहीं जाऊंगा। मैं ही पर आया हूँ इस घर में, मेरा ही खर्चा फालतू है। बच्चे के हाथ पैर तोड़वाने के लिए घोड़े का खर्चा जरूरी है, उसे तालाब में डबोने के लिए फीस भरना जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपाय। चला जाऊंगा ये घर छोड़ के, कर लूंगा कहीं नौकरी। नहीं बाबूजी, वो तो सिर्फ कह रहे थे। ये लीजिए। रहने दे, मेरा अब इस घर में रहना मुश्किल है, चला जाऊंगा यहाँ से कहीं। क्या जा रहे हो नाना जी? डूबने। हमारे साथ टैंकी चलाओ तो डूब जाएगा। आशु, थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। नाना जी से ऐसी बातें करते हैं? आज से तू भी तैरने नहीं जाएगा। कह देना अपने पापा से, मम्मी मना करती है, मैं तैरने नहीं जाऊंगा, समझे? क्या सिखा रही हो बच्चे को? तैरने को मना कर रही हूँ। ये अब तैरने नहीं जाएगा। क्यों? हमें इसे मल्लाह नहीं बनाना। मुझे क्लब में जाने को मना करते हो और खुद बेकार रुपए उड़ाते हो। बाबूजी, रुपए क्लब में उड़ाए जाते हैं, रमी में उड़ाए जाते हैं, जुए में उड़ाए जाते हैं। सुन लिया बेटी, मैं रमी खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, ये क्यों नहीं कह देते कि मैं चोरी भी करता हूँ? नहीं बाबूजी, ये तो वैसे ही कह रहे हैं। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ बाबूजी को। जानती हो तो ठीक है, और दिया करो पैसे ने जुआ खेलने के लिए। लाइक 10 रुपए का नोट, इसके लिए ड्राई वाटर मंगाना है। तारा, ये लो ड्राई वाटर की शीशी लाना और बाकी पैसे ले आना। नौकर को दे दे 100 का नोट, जो वो वापस ही ना आए, मैं खुद ले आऊंगा। बाबूजी, ले आइएगा जरूर। हाँ, क्लब से लौटता हुआ ले आऊंगा। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। मूलचंद जी, आपने शायद तंबाकू बदल दिया है। या बदल दिया है आपको मतलब? आते ही। अच्छा भाई, 2 पैसा पॉइंट? नहीं भाई, 1 नया पैसा पॉइंट। नया पैसा हो गई, आ गए नए पैसे पर। अरे भाई, हम क्या आ गए, सरकार ने ही चला दिया। लेकिन पुराने पैसे बंद तो नहीं किए सरकार ने? अजी, सरकार ने नहीं, इनके दामाद ने बंद कर दिए होंगे। हाँ भाई, अब तो दामाद का ही मुंह देखना पड़ेगा। अबे मूलचंद तो अपना मुंह भी नहीं देखता, दामाद का क्या देखेगा। लो आओ, 1 रुपया पॉइंट। आओ, किसमें दम है? लो, हाँ 1 रुपया। आओ, महिला मत कर, महिला मत कर। मूलचंद जी, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का है या दामाद का? दामाद का ही समझ ले। हो जा भाई, आज मूलचंद ने फैसला हो जाएगा। देखा, 10 बज गए, लेकिन तुम्हारे बाबूजी का अभी तक पता नहीं। आ जाएंगे, तुम्हारा 100 का नोट लेके भाग नहीं जाएंगे कहीं। ओफो, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन उनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चे के लिए ड्राई वाटर मंगाया है। कह दिया, आते ही हो गए। ठीक है, चलो बेटे, अपन गाना गाएंगे। आशू बड़ा अच्छा बेटा है ना? अच्छा जी, आशू बड़ा अच्छा बेटा है, आशू बड़ा अच्छा बेटा है ना? बाबू जी, बड़ी देर लगा दिया आपने, और वो ड्राई वाटर लाए? क्या बताऊंगी, क्लब से आ रहा था, रास्ते में गुंडों ने रुपए छीन लिए। अरे, अकेला आदमी किस किस से लड़ता, 10-12 आदमी। भाई, चोट तो नहीं लगी? चोट वोट तो नहीं आई, लेकिन रुपए चले गए सारे। वो तो जाने ही थे क्लब में। हाँ, कहते जुए में हार गया। देख बेटी, फिर लगाया मुझ पे इल्जाम। देखो जी, तुम मेरे बाबूजी को कुछ भी कह देते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जुआ खेलने के लिए रुपए देना अच्छा लगता है? हाँ दूंगी, उन्हें कुछ मत कहा करो। तेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, क्लब जाने से नहीं रोका, तूने कभी नहीं रोका, और ये आदमी मेरा खाना पीना बंद कर देना चाहता है। बाबूजी, मैं आपका खाना पीना बंद नहीं करना चाहता, आपकी बुरी आदतें बदलना चाहता हूँ, फजूल खर्ची बंद करना चाहता हूँ। बेटी, अब तो मैं इज्जत के साथ इस घर से चले ही जाऊँ तो अच्छा है। नहीं बाबूजी, मेरे जीते जी आप कहाँ जाएंगे? सोचता हूँ फौज में भर्ती हो जाऊँ। क्या कह रहे हैं आप? फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप ऐसा कीजिए, सर्कस में भर्ती हो जाइए। शर्म नहीं आती, बुढ़े से मजाक करते? बुढ़ा होगा तेरा बाप। बाबूजी, आशू, आशू, अरे बेटे देखो क्या लाए हो तुम्हारे लिए। अरे आशू कहाँ? वो बाहर गया है तारा के साथ। देखो तो क्या लाए। मैं कह रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत थी, बेकार 30-40 रुपए खर्च किए। ये बेकार नहीं है इंदू, इससे बच्चे की अकल बढ़ती है, ये बहुत जरूरी खर्च। हाँ, बेकार खर्चा तो मेरा है, ये बहुत जरूरी है। वाह, कुर्बान जाऊं मैं कहनों की, चिताग भर की लोमड़ी और मन भर की दुम बित्ता सा बच्चा और कारखाना उठा लाए साहब। हाँ अभी से क्या जल्दी थी, जल्दी थी। मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। हाँ इंजीनियर बना दे उसे। देखिए आप मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए। दखल नहीं दे रहे जी, अकल की बात बता रहे हैं। तुम लोग अपनी अकल अपने पास रखो, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। ठीक ही तो करता है, कमाता है ना। दूध देने वाली गाय की लातें भी सहनी पड़ती है। अब तो वो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। इसीलिए कहता था बेटी के नौकरी मत छोड़, पर कौन सुनता है मेरी। लिख के रख ले, एक दिन तुझे पाँव की जूती बना के छोड़ेगा। तुम्हारे घर की बीमारी हमारे घर भी आ गई। हमारे मालिक मालकिन भी झगड़ने लगे। वो भी झगड़ने लगे। अरे इन पढ़े लिखों से तो हम अनपढ़ अच्छे, अपनी तो कभी झगड़ने की नौबत ही नहीं आती। आए कैसे, तुम गुस्सा होते हो मैं चुप हो जाती हूँ, और जब मैं गुस्सा होती हूँ तो तुम चुप हो जाते हो। ऐसे ही चला करता है घर संसार। मर्द नाराज हुआ, औरत ने मना लिया, और जब औरत नाराज हुई तो मर्द ने मना लिया। कौन समझाए इन्हें। जब बत्ती बुझा, नींद आ रही है। पापा जी एक बार क्यों घर में। हाँ बेटे एक क्या दो कहो। आओ। कब चलोगे? बस बेटे तेरी मम्मी आ जाए फिर चलेंगे। वो आ गई तेरी मम्मी, ले इधर बैठ। देखा जी स्टेनलेस के बर्तन लाई हूँ, अच्छे है ना। लेकिन इनकी क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत थे घर में। मुझे अच्छे लगे ले आई। कुल 150 को तो है। मैं खर्चा कम करने के लिए कह रहा हूँ और तुम वो रोज बढ़ाती चली जा रही हो। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं, क्या जरूरत थी इन बर्तनों की। दुकान की दुकान उठा लाई। भाग नहीं जाएंगे घर से ये। वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेकार रखे तो रहेंगे। मैं पूछती हूँ नुकसान क्या हो गया तुम्हारा, और फायदा भी क्या हो गया। बेकार में इतने पैसे खर्च कर दिए। तो मैं कुछ भी खर्च नहीं कर सकती, मेरा कोई अधिकार नहीं इस घर में। ठीक है आपसे कुछ भी नहीं लाऊंगी। जहाँ दो सड़क पर फेंक दो ना। मुफ्त कमाने को कमाना थोड़ी पड़ता है। तुम्हें कमाना पड़ता है इसलिए कह रहे हो ना, इसीलिए आखड़े हो, इसीलिए बाबूजी को रोज ताने देते हो। इंदू भूल के एक दिन मैं भी नौकरी करती थी, अगर चाहूँ तो आज भी कर सकती हूँ। इंदू लेकिन रवि तू तो हम लोगों को समझाया करता था भाई। पर उपदेश कुशल्प होते रहे। अब कहाँ गई वो समझदारी। समझदारी तो उस घर में रह नहीं सकती भाभी। मैं समझता हूँ अब मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। रवि वो मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देना चाहते हैं बाबूजी। मैं कुछ भी नहीं खरीद सकते अपनी मर्जी से। वो कमाता है ना बेटी, मुझे तो उसके लक्षण पहले ही से दिख गए थे। तेरी माँ ने मुझसे नौकरी छुड़वा दी पर खुद नौकरी नहीं छोड़ी। तू भी स्कूल ना छोड़ती तो इन 4 साल में 4-5 हजार रुपए जमा होते बैंक में। गलती तेरी है, पछताने से क्या होगा। मैं फिर से नौकरी करूंगी बाबूजी। वेरी गुड। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि इंदू नौकरी मत छोड़। खैर तुम वापस आ गई, ये बहुत ही अच्छा। अब तुम कल ही से चार्ज ले लो अपने काम का। अच्छा थैंक यू। अरे मम्मी आ गई। मम्मी अभी आती होगी। आशु तुम यहीं बैठो। हाँ देखो चुपचाप बैठना। मम्मी आ गई तारा। मम्मी अभी आती होगी, तुम बैठो मैं दूध ले आती हूँ। लो अभी आशु गरम गरम दूध पिएगा। पिएगा ना दूध, लो लो दूध पियो। मम्मी के आशु पी रही है। नहीं कहना माना करते क्यों? नहीं। आशु पापा जी आ गए। आशु पापा जी आज तुमसे पहले आ गया। अच्छा अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है आज? वो तो आज स्कूल गई। स्कूल? जी हाँ नौकरी पर। नौकरी कब से करने लगी हो? आज ही से। पापा जी चलो बेटे दूध पियो। नहीं अब मम्मी जी आज से पिएंगे। बेटे आज से हम तुम्हें दूध पिलाएंगे। तुम्हें दूध पिलाओगे? हाँ मम्मी नहीं पिलाएगी। नहीं पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी। बताओ ना पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी तारा की तरह से। बेटे तुम दूध पी लो। नहीं पी लो ना। तारा मम्मी आ गई। मम्मी कहाँ गई थी? पता है नहीं तारा ने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने आज से नौकरी कर ली है। क्यों की है तुमने नौकरी? किसने कहा था नौकरी करने के लिए? कहता कौन? मैंने खुद की है, अपनी मर्जी से की है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में। मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा तुम्हें। जो मैं चाहूंगा वही होगा इस घर में। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मुझे छोड़ना होगा। जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है तो फैसला भी तुम ही कर लो। कर लिया फैसला। कल से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी। और अगर गई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। शायद तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। खाना खा लो। नहीं मैं मम्मी के हाथ से खाऊंगा। नहीं बेटे हट नहीं किया करते। लो खाओ। नहीं ये पापा आएंगे जब खाऊंगा। आशु पापा जी। इंदू आज फिर स्कूल गई है? जी हाँ। पापा जी तुम अपने हाथ से खाना खिलाओ। अपने हाथ से खाना सीखो। चलो बैठो इधर ले लो। जल्दी खाओ। पापा जी नाराज हो जाएंगे। खाओ। नहीं खाऊंगा। अच्छा साहब पापा जी हम लोग कितने दिन रहेंगे? हाँ बेटे और खाना पीना खाएंगे। हाँ सोएंगे बेटा। हाँ बेटे यहीं सो जाए, अब घर नहीं जाए। पापा जब रुके तो काय कहोगे? अपनी तकदीर पे हंसने के लिए। हमें तो भी आते थे पापा, तुम भी आते थे, मम्मी भी आती थी। हाँ बेटे बहुत हंसे हम लोग, मैं बहुत हंसा तुम्हारी माँ के साथ, इतना हंसा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम रोते हो? मैं बताओ क्यों रोते हो? मम्मी ने तुमसे झगड़ा किया है ना? हाँ बेटे इसीलिए तो हम लोग यहाँ आ गए, अब हम यही रहेंगे। अच्छा 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 मम्मी को हम लोग कभी नहीं डराएंगे। लेकिन इंदू जी इसमें आपकी भी गलती है, उसके मना करने पर आपको नौकरी पर नहीं जाना चाहिए था। रवि की भी गलती है, उसे इस तरह घर छोड़कर होटल में रहने नहीं जाना चाहिए था, और बच्चे को भी साथ ले जाए। वो समझते होंगे मैं आशु के लिए उनके पैर पकड़ूंगी, उनकी खुशामद करूंगी, लेकिन मेरा भी नाम इंदू है, मैं जबरदस्ती लाऊंगी बच्चे को। तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं बेटी, वो खुद लेकर आएगा बच्चे को। मुझे भी देखना है मेरे बिना कैसे रहता है आशु उनके पास। आशु, आशु बेटे, आशु बेटे अब तो सो जा, 10 बज गए। देखो आशु, अगर तुम जिद करोगे ना तो हम तुझे अपने पास कभी नहीं सुलाएंगे, समझे? चल सो जा। ओहो। जी नहीं लगता बाबूजी, पता नहीं क्या हाल होगा आशु का। हाल क्या होगा बेटी, वो कोई अकेला थोड़ी है वहाँ। आशु आशु अरे अब तो सो जा बेटे, 11 बज चुके हैं। बेटे मम्मी के पास सुबह चलेंगे ना, अभी सो जाओ तुम। क्या आशु मेरी तुम बात तो सुनो, तुम यहाँ सो जाओ फिर सुबह चलेंगे मम्मी के पास। बड़ा अच्छा बेटा है, बेटे सो जाओ ना यहाँ। नहीं जाओ मम्मी के पास। बाबूजी मैं खुद वहाँ जाऊँ तो कैसा रहे? पागल हो गई है क्या? यही तो वो चाहता होगा, देखती जा वो खुद आशु को लेकर आएगा यहाँ। भला माँ के बगैर बच्चा कैसे रह सकता है? जा तू आराम से सो जा, सुबह नौकरी पे जाना। आशु बेटे भगवान के लिए सो जा, सुबह जाएंगे जहाँ जाना। ओहो मैं क्या करूँ अब इसका। आशु आशु पास जा रहे तुम, मम्मी के पास जाएगा, जहाँ नहीं सोएगा। अच्छा बाबा चल मम्मी के पास चल। मेरे बाप अब तो चुप हो जाए, तेरी मम्मी के पास जा रहा हूँ। इंदू क्या बात है बेटा? बाबूजी, वो आए थे बाबूजी। आया था? मैं कहता ना था कि वो जरूर आएगा। एक दफा आया है तो फिर आएगा। तू चिंता मत कर, चलकर सो जा रहा हूँ। हाँ बेटे, मुझे गैस लग गया। मम्मी के पास नहीं लगे। लेके तो गए थे बेटे, याद नहीं कंधे से लगा के लगे थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? तो तुम्हारी मम्मी ने बेटे दरवाजा ही नहीं खोला। क्या? दरवाजा नहीं खोला? क्या? दरवाजा नहीं खोला? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं खोला। क्या? मैं भी बोलूंगा वापस से। अभी कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास। मैं भी जाऊंगा नहीं, कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास। मम्मी आएगी तो मैं भी दरवाजा बंद कर दूंगा। कभी मैं दरवाजा खोलूंगा। शाबाश, बिल्कुल नहीं खोलना बेटे। अच्छा? और आशु देखो बेटे, हम नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम खेलो, उसके बाद फिर तुमको नहलाएंगे। अच्छा? आशु, मम्मी, आशु, चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आशु, आ, आ मेरे पास। आशु, आशु, दरवाजा खोलो बेटे। आशु, खोलो ना दरवाजा। नहीं खोलेगा? आशु, आशु, तुम मुझसे नाराज हो गए बेटे, मेरे पास आ। आशु, पापा जी दरवाजा खोलो। पापा जी, आशु दरवाजा खोलो। पापा जी, आशु चलो बेटा घर चले। मैं पापा के पास रुकना, तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रही बच्चा को लेके? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम क्यों आए थे रात को? मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि ये रो रहा था। मैं भी रो रही थी रात को। क्यों? बाप ने आंसू नहीं पूछे? नौकरी करके भी खुशी नहीं मिली? बाप का कहना नहीं माना, इसीलिए तो रोना पड़ा, और नौकरी छोड़ी इसलिए पछताना पड़ा। तो यहाँ क्यों आई हो? भगवान ने औरत बना दिया ना मुझे। औरत की मर्यादा का ख्याल है तुम्हें? वही ख्याल तो मुझे यहाँ खींच लाया। मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहती। बैठो। देखो इंदू, अगर तुम औरत बनकर रहना चाहती हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो खुशी से रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी नौकरी को छोड़ना होगा, अपने बाप को छोड़ना होगा। मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकती। तो रहो अपने बाप के पास, चले जाओ यहाँ से। आशु को तुम नहीं ले जा सकती, ये मेरे पास है। नहीं जी, मैं रखूंगी इसे अपने पास। तुम कौन होती है इसे अपने पास रखने वाली? मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे पास रहेगा, कानून से मेरे पास। कानून यहाँ नहीं अदालत में है, जाओ अदालत में। तुम मर्द हो इसलिए जोर दिखा रहे हो, इसलिए बच्चों को माँ से अलग कर रहे हो, लेकिन याद रखो इंसाफ मेरे साथ है। मैं तुम्हें अदालत में खींचूंगी। अदालत में खींचोगी? तो जाओ अदालत में, पहले तलाक लो और फिर बच्चे में हक जताना। इंदू, क्या कहा उसने बेटी? उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दी है बाबूजी। तलाक? ठीक है, उसने जो धमकी दी है मैं उसे सच करके दिखा दूंगा। ऐसे ही बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। पर तू फिक्र मत कर बेटी, जैसे मैं कहूँ वैसे करती जा। ना को चने चपा दूंगा बेटा को। आज जो हक मर्द को है वो औरत को भी। होश की दवा करो भाई, होश की दवा करो। हाँ रवि जी, तुम्हें इस तरह पेश आ गए तो वो बेचारी आखिर जाएगी कहाँ? क्यों? तलाक लेने का हक है उसे। पागल हो, तलाक लेने का हक, तेरे साथ रहने का हक नहीं है उसे। वो बात कभी की खत्म हो गई रेवती शरण, अब हम दोनों के लिए एक ही रास्ता है, तलाक। देखिए वकील साहब, मेरे कहने का लब्बो लुबाब ये है। ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया। देखिए, आपको अपने हस्बैंड से 2 बरस तक बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उसके बाद आप तलाक की दरखास्त दे सकती हो। फिर तलाक मिल जाएगा वकील साहब? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगा। सुना इंदू, कानून हमारे साथ। हाँ सुना तुमने, मलकिन तलाक लेंगी मालिक से। तलाक? अरे राम राम, शादी के ढोल क्यों पीटे थे? फिर तमाशा बना रखा है इन बड़े लोगों ने शादी का। पहले तो अपनी मर्जी से करेंगे शादी, फिर जरा जरा की बात पर झगड़ेंगे और फिर दौड़ेंगे लेने तलाक। तो सारा कसूर तो सरकार का है, क्यों बनाया ऐसा कायदा? कोई जानता भी नहीं था तलाक या फलाक। अरे तो सरकार ने कायदा इसलिए थोड़े ही बनाया कि चट शादी करो और फिर तलाक लेने दौड़ो। ये कायदा तो उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी जिंदगानी बर्बाद हो रही है। अब जैसे ये मन्नो है, 10 बरस हुए घर वाला छोड़ के चला गया, ठीक है ये ले लेता ना। वो बाबू चंद्रबान है, कुछ करते धरते नहीं, औरत की कमाई खाते हैं, दारू पीते हैं, ऊपर से घरवाली को मारते हैं। जरूर छोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी। या फिर कोई पागल हो, बदचलन हो, कोई हर्ज नहीं है तलाक देने में। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में कोई बुराई नहीं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। काहे के पढ़े लिखे हैं, उनसे तो हम अनपढ़ अच्छे हैं। हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर निभाते हैं। अरे ये शादी की गांठ जन्म जन्म की गांठ होती है, मरने पर भी नहीं खुलती वो। ठीक है, मन मुटाव भी होता है, झगड़े टंटे भी होते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि तलाक ले लो। छोटा सा बच्चा है, क्या होगा उस बेचारे? अरे कम से कम बच्चे का तो ख्याल करना चाहिए उन्हें। सच कहते हो, झगड़ा इनका और मरण उस बेचारे का। आजा बेटे, बेटी आशु, तू बैठा क्यों है? नहीं जा मम्मी के पास, चलो चलो। सुना सुना लगता है। मैं तो नौकरानी हूँ बहन जी, मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारा जी कैसे लगता होगा। मेरा जी खूब लग रहा है, कुछ बुरा नहीं लगता मुझे। है मालिक के बिना और बच्चे के बिना? मालिक तेरे हैं या मेरे? बच्चा मेरा है या तेरा? मैंने कब कहा बहन जी मालिक भी तुम्हारा और बच्चा भी तुम्हारा। मुझे तो यूँ दुख हो रहा है कि बच्चे को 3 बरस खिलाया है मैंने, मालिक का नमक खाया है। नमक खाया तो चले जाओ उनके पास, याद कर रहे होंगे तुझे। मुझे याद करने वाला है मेरा मर्द, तलाक नहीं ले रही मैं उससे। मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। आज 9 साल के बाद तुम मुझे निकाल रही हो बहन जी? ठीक है, जो अपने मर्द को छोड़ सकती है, बच्चे को छोड़ सकती है, वो नौकरानी की क्या परवाह करेगी। जाती हूँ बहन जी, कहा सुना माफ करना। नीचे उतरो, नीचे। ये लो तौली ले जाओ, तौली आप। संभल के, हाँ संभल के, गिरना नहीं। शाबाश शाबाश। अभी हाथ धो लो। उतारो। ये देखो, अब यहाँ डालो, इधर भी डालो। हाँ देखा, ऐसे पहना जाता है। चलो बस्ता उठाओ, उठाओ बस्ता, चलो स्कूल चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? इसमें डरने क्या बात है, चलो उंगली पकड़ो, चलो स्कूल चलो। आऊंगी मेरे मुन्ने, मैं जरूर आऊंगी। बाबूजी, मैंने नौकरी छोड़ दी वहाँ। अच्छा, तो तू मेरे पास आ जा, मुझे जरूरत भी है इसे संभालने के लिए। बस सारा दिन इसके साथ है ना। अच्छा बाबूजी, लेकिन इसमें कोई चाल तो नहीं। बाबूजी, हम गरीब हैं पर दगाबाज नहीं। तुम्हारी नौकरी इसलिए करने को राजी हो गई कि मैंने 3 साल इसे गोद में खिलाया है। अच्छा खैर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इंदू या उसके बाबूजी से लेना जाए। कभी नहीं बाबूजी, मैं स्कूल में भी अकेला नहीं छोड़ने की। तो आओ मेरे साथ। आधी रात को सोच क्या रहे हो बैठे हुए? कुछ नहीं, रवि और इंदू का ख्याल आ गया था। अब वो दोनों कभी मिल ही नहीं सकते, इसीलिए कहा करता हूँ रोहिणी झगड़ा अच्छा नहीं होता। हाँ, तो क्या मैं ही झगड़ा करती हूँ? तुम नहीं झगड़ते? ओहो, मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों को नहीं झगड़ना चाहिए। देख लो क्या अंत हुआ रवि और इंदू के झगड़े का, एक घर में दूसरा होटल में। लेकिन हमारा झगड़ा होता ही कितनी देर का है? अजी थोड़ी देर के लिए भी नहीं होना चाहिए, प्यार कम हो जाता है झगड़े से, समझती तो हो नहीं। लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होता, सच कहती हूँ। जब कभी तुम दो चार दिन के लिए बाहर जाते हो ना, तो मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ रोहिणी, लेकिन दूध में नमक डाले ही क्यों इंसान? अच्छा लो, हम कसम खाते हैं आज से झगड़ा नहीं करेंगे। तुम भी कसम खा। अच्छा लो, मैं भी कसम खाता हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? सुनो, एक खुशी की बात सुना। सुना वो दरअसल बात यह है कि बच्चे की उम्मीद है। ओफो रोहिणी, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरी फैमिली प्लानिंग की किताबें कौन उल्लू का पट्टा पड़ेगा? ले जाओ इनको यहाँ से, आग लगा दो इनमें। रोहिणी, तुमने तो मेरे ही घर में प्लानिंग करके रख दिया। देना डिब्बे में जल्दी से। कौन मिठाई? जो सबसे अच्छे हो। एक रतल 2 रुपया 4 आना। आशू, मेरे पास नहीं आएगा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ हो तो क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों शर्म मत कर फिलहाल, मैं नहीं आने का जाओ। आशू, मेरी बात तो सुन बेटे। मैं रोना बाहर से मैं बाहर दूँ। मैं जाने वाला जाऊँ तुम बाहर से मैं जाने। आशू, कैसे समझाऊँ तुझे? चलो आशू, चलो। तारा, एक बार छाती से लगाने दे इसे। तारा, मैं इसकी माँ हूँ। आशू, आशू, मम्मी, आशू, मम्मी, ले तारा, ले जा इसे। ध्यान रखना, मेरी याद मत आने देना इसे। चलो आशू। तारा, आशू, बेटी तुम्हारे लिए ये डिब्बा लाई हूँ, ले लो मिठाई। आशू उठो बेटे, देखो दिन निकल आया, चलो तैरने चलेंगे। अरे उठो ना, अच्छे बच्चे बेटे इतनी देर तक नहीं सोते, चलो शाबाश। अरे बुखार, तारा आशू को तो बुखार चढ़ा है। बुखार? आशू, आशू भैया, हाय राम, कितना तेज बुखार है। तुम खड़े क्या हो बाबूजी? किसी डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। डॉक्टर? अच्छा तू इसके पास बैठ, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर? नथिंग वेरी सीरियस, लेकिन इसको नर्सिंग की बड़ी जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दवाई देता हूँ। चलिए। लो बेटे पियो। नहीं बेटे, शरबत है। शाबाश शाबाश, मुंह झाँक करो इसका। का रूप सहा न जाए नखरे वाली का। कौन है? जी मैं हूँ मंगल। क्या है? वो तनख्वाह लेने आया था तारा की। कैसी तनख्वाह? नौकरी वो खुद छोड़ के गई है। पर 20 दिन काम करके गई है बाबूजी। गई है ना, तनख्वाह भी गई। गई कैसे? मैं तो लेने आया हूँ अपनी घरवाली की तनख्वाह। कैसी घरवाली? किसकी घरवाली? मैं किसी को नहीं पहचानता। अच्छा जी, पहचानते भी नहीं? ठीक है, जो अपने जवाई को भूल गया वो नौकरानी को कहाँ तक याद रखे। मंगल, लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं सेठ, खुद गर्जी ने तुमको अंधा कर दिया है और तुम्हें अपने पेट के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। निकल जा यहाँ से, नालायक, बेशर्म कहीं का। मैं बेशर्म? सेठ, मैं इन हाथों की कमाई खाता हूँ, बेटी की कमाई नहीं खाता। अपनी बेटी के सुख में आग नहीं लगाता, अपने हाथ से बांधे हुए बेटी के गठबंधन में तारा की आग मैं नहीं लगाता। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जरा सोचो क्या हक है तुम्हारा उस लड़की के ऊपर। असली हकदार तो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है, बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए तड़प रही है, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए ताश खेल रहे। कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा है, लेकिन औलाद का खून पीते हुए न देखा और न सुना। अरे रख ले तनख्वाह, आज दिन तक बेटी के पैसे खाता आया, नौकरानी के भी पैसे खा ले। तू आते अरे कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा है, लेकिन औलाद का खून पीते हुए न कभी देखा न कभी सुना। तू है तेरी बात तो सुनो, बेटा मैं तुम्हारी बात आ रहा है, नहीं देने आया। अरे बाबू रोको, दादा रोको, दादा रोको, मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तकलीफ नहीं दूंगा। इसकी लापरी साधना तुम्हारा सदा। दौड़ रहे थे उनके पीछे, क्यों जोड़ रहे थे उनके आगे हाथ? बेटी मुझे उसके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, मैं ये भूल गया था कि मैं एक लड़की का बाप हूँ। जा तू रवि के पास जा, जैसे भी हो उसे समझा बुझा कर वापस लिया। मेरा क्या है, कहीं भी चला जाऊंगा, तुम लोग आराम से अपनी गृहस्थी चलाओ। अरे अपने लिए ना सही, बच्चे के सुख के लिए मुझे भूल जा इंदू, मुझे भूल जा। बाबूजी, मैं उस निर्दयी को भूल सकती हूँ, मैं आशु को भूल सकती हूँ, मैं ये भूल सकती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती बाबूजी, अपने बाप को नहीं भूल सकती। मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगी। इंदू, क्या बताऊं रेवती बाबू, वो लोग तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। किसी तरह दोनों को एक जगह लाना चाहिए, शायद काम बन जाए। रोहिणी, तुम्हारी सालगिरह मनाई जाए परसों को। बड़ा ख्याल आ गया मेरी सालगिरह का। अरे भाई तो तुम, अरे मेरी सालगिरह को अभी 2 महीने बाकी हैं, मेरी उम्र क्यों बढ़ाते हो, अपनी सालगिरह बना लो ना। अरे भाई मेरी सालगिरह को तो 6 महीने बाकी है। ऐसा करो मेरी सालगिरह मना लो, मेरे जन्म का तो किसी को पता नहीं, बस इतना ही याद है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। लेकिन बाबूजी आपकी सालगिरह में रवि कैसे आएगा? हाँ ये भी ठीक है, तो फिर ऐसा करो रवि को मेरे मरने की खबर कर दो, शायद आ जाए। बाबूजी आप दुखी ना होइए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। क्या कर लो? अब तुम्हें क्या बताऊं क्या कर लूंगा। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, 1 मिनट बंद करो। शाबाश शाबाश शाबाश, अभी खोल। रवि आओ, रेवती भैया आओ। हेलो अंकल। हेलो भाई, क्या हुआ हमारे आशु को? बुखार आ गया इसे कल से। आ गया? कितना बुखार है? अब तो ज्यादा नहीं है, लेकिन रात को बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है? कहता कोई घबराने की बात नहीं। तुमको क्या खबर है? खबर? हाँ भाई, खबर ये है कि मैं तो तुम्हें दावत देने आया हूँ। आज रोहिणी की सालगिरह है शाम को। शाम को सालगिरह? वो बात ये यार कि वो शाम को पैदा हुई थी ना, इसलिए सालगिरह भी शाम को है और दावत भी शाम को ही है। लेकिन तुम तो देख रहे हो बच्चे की हालत, मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चले आना, तुम्हारी भाभी ने खास तौर पे तुमको बुलाया है, यानी कि स्पेशली, और तारा जो यहाँ पर है। हाँ बाबूजी, फिक्र मत कीजिए, आप चले जाइए शौक से, मैं यहीं रहूंगी रात को। हाँ बोलो। अच्छा भाई रेवती, आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। दैट्स राइट, लेकिन देखना भाई ठीक 7 बजे। ओके। अच्छा बेटा आशु, टाटा। आशु भैया दूध पियोगे ना? थोड़ा सा पी लो ना। इंदू भी आ रही उधर से। अच्छा दोनों एक साथ? अरे तब तो मजा आ गया। भैया जी, बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। श्रीमान जी लड़ना तो मैडम है एक लड़कपन, इसमें बड़ा नुकसान जी। हाँ सुनो सुनो श्रीमान जी, क्यों बैठे हट के मुखड़ा पलट के, फिर से बंधो एक तार में। जरा तो आके देखो मिला के, बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। मियाँ और बीबी के झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। ये थे चट्टानी अच्छी नरानी, घर को बनाओ ना अखाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, उससे के देखे खुमार में। जरा तो आके देखो मिला के, बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, मेम साहब। रवि जी मेरी बात तो सुनो। हट जाओ भाभी। इंदू जी, बाबू जी, बीबी जी, आंसू की सौगंध है आप दोनों को। ये मेरी छोटी सी बात सुनते जाइए। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, मैं तो अनपढ़ गवार। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इंसान और हैवान में सिर्फ धर्म का फर्क होता है। आप भी अपना धर्म भूल गए हैं बाबूजी, और आप भी अपना धर्म भूल गई हैं। आप दोनों ने अपने अपने बारे में तो सोच लिया और उस बच्चे को बिल्कुल ही भुला दिया। हो सकता है कि आप एक दूसरे को छोड़कर सुखी हो जाए। आपको दूसरी औरत मिल जाएगी बाबूजी, और आप भी शायद दूसरा ब्याह कर लेंगी। लेकिन आंसू, उस मासूम बच्चे का क्या होगा? उसको माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत है बाबूजी। आप दोनों के बगैर वो जी नहीं सकेगा। इस पर भी अगर आपको तलाक लेना है तो लीजिए, जरूर लीजिए। लेकिन तलाक लेने से पहले अपने हाथों से अपने आंसू का गला घोंट दीजिए। बोलिए, कौन घोंटेगा उसका गला, आप या आप? दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किसन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ, लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे तुम्हारे। आशु, किसी से झगड़ा मत करना और तुम्हें मत करना, नहीं करोगे ना मम्मी, तुम्हें नहीं करोगे ना